गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है गाड़ी और देखो बिना बिजली के चलेगी, मतलब कोयले की गाड़ी है। कुछ प्यारा सा छोटा सा मिलकर काफी अच्छा लगा। इन्होंने कब से कम हमको 10-15 किलोमीटर की लिफ्ट दी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में और स्वागत है आपका कालका। तो अभी आज रात में कालका रुका था, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया होगा कि मैं कहाँ रुका हुआ था। लेकिन आज सुबह होते ही अभी समय हो रहा है 3:30 बज रहे हैं और मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन कालका। और यहाँ से कालका टू शिमला टॉय ट्रेन जाती है, जिसका सफ़र काफ़ी शानदार रहता है, मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। तो अभी बस थोड़ा सा टाइम रह गया, 10-12 मिनट में ट्रेन चलने वाली है। आप हॉर्न सुन ही रहे हैं, बार बार बुला रही है मेरे को। तो बस पहुंचते हैं अभी थोड़ी देर में। तो आप आज का जो ब्लॉग होने वाला बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि जो ट्रेन जाती है बहुत ही अच्छी अच्छी वादियों में होकर निकलती है और बर्फ़ भी मिलेगी रास्ते में। तो बस इंतजार रखिए, सब्र रखिए और सारा कुछ दिखाएंगे। तो चलिए और बने रहिएगा ब्लॉग में। तो गाइस ये ट्रेन रेडी हो चुकी है और बस आप देख ही रहे हैं, कम्बल उम्बल डाल के लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी प्यारी सी मतलब ट्रेन है और मतलब ज़्यादा डिब्बे नहीं होते हैं, बहुत ही छोटी ट्रेन है। तो अपन लोगों ने भी टिकट ले ली है, बस थोड़ी देर में चलने वाली है, 45 मिनट पर चलेगी ये। तो बस चलिए और अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का नज़ारा, बने रहिएगा ब्लॉग में। गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है गाड़ी और देखो बिना बिजली के चलेगी, मतलब कोयले की गाड़ी है और हमारा डिब्बा ये वाला है। तो अभी इसमें अंदर बैठ के हम लोग जाएंगे और ये जनरल डिब्बा है, बाकी जो मतलब पीछे के डिब्बे हैं वो रिजर्वेशन के हैं। रिजर्वेशन काफ़ी दिन पहले करना पड़ता है, तो अभी हम लोगों ने कर नहीं पाए थे जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमें हमारा कल का प्लान था, कल का लेट हो गए। तो चलिए अभी अंदर चल के मैं आपको दिखाऊंगा अंदर की व्यू कैसा है, बाकी पीछे का बढ़िया है। चलो बाकी ट्रेन है ये कालका रेलवे स्टेशन है, ट्रेन चलती है और कालका से शिमला के लिए। और ये भाई लोग सब बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं। देखिए ट्रेन पूरी एकदम, ये है आपका बस छोटा मोटा सा डिब्बा। और चलिए अभी आपको काफ़ी सारे व्यूज मिलेंगे, वो दिखाएंगे। सो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं टॉय ट्रेन में, तो विशाल जी सो गए हैं, तो विशाल जी का ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी ये देख सकते हैं आराम से खुली नींद ले रहे हैं। हेलो लड़के, देख लो ये नींद ले रहे हैं, हाय 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 आराम से। ये हमारे भाई बंधु अपना बैठ के आराम से, हाँ क्या बात है। चलो मतलब गाड़ी हमारी रुकी है, अभी एक छोटा सा कोई रेलवे स्टेशन है और आप देख रहे हैं चाय की दुकान, इतना अच्छा प्यारा सा रेलवे स्टेशन बना है टॉय ट्रेन का। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मतलब व्यू है। अभी ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, पूरी गाड़ी आप नीचे आप देख रहे हैं, कितना छोटा सा रेलवे स्टेशन है। अभी हमने चाय लिया है, कितने की चाय अंकल जी? 10 की, मात्र 10 रुपए की चाय है। चलिए और पूरी ट्रेन काफी मस्त एकदम। और गाइस देखिए जगमगाता हुआ शहर, ये घर है पहाड़ पे और ये बढ़िया। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ कंडा घाट और यहाँ से शिमला की दूरी है मात्र 45 किलोमीटर और 3-4 रेलवे स्टेशन रह गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब काफ़ी बेहद अच्छा सफ़र चल रहा है। और आप अभी ऊपर देखिए कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, ये भी मतलब रेलवे स्टेशन है। और ये हमारे मिस्टर अर्पित ब्लॉगर, जिनको मैं पहले इनको मतलब बधाई देना चाहता हूँ, उनके 25,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। तो ये भी सब हमारे साथी हैं और ये हमारी टॉय ट्रेन, बहुत ही अच्छा सफ़र गुजर रहा है इसमें, मतलब बहुत ही प्यारी। तो चलिए और अभी हम रिजर्वेशन में रुके हुए हैं और चलो ब्लॉग में। मतलब सुबह हो चुकी है और दिन निकल चुका है, बाकी जो व्यू है ना, मतलब बाकी भाई बहुत नहीं।
कैसा लग रहा है अरविंद? ठंड लग रही है इसको तो, मतलब बाकी में ठंड बहुत ही ज्यादा हो गई है। और ये देखो भाई, ये देखो पहाड़ी पहाड़। और कभी भी आप आइए टॉय ट्रेन से सफर के, बहुत ही मजा आने वाला है, नेक्स्ट लेवल का। चलिए देखते रहिए। ये देखो बराबर में चलिए सड़क, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये है हमारा कोच, प्यारा सा छोटा सा। और ये देखो भाई लोग अपनी मस्ती कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और ये देखो वाओ क्या ब्यूटी है, ये देखिए वाओ। अच्छा चल यो, ये देखो भाई रे भाई क्या व्यू है गाइस, देख सकते हैं। ओ माय गॉड। तो गाइस फाइनली मैं 6 घंटे का सफर करके पहुंच चुका हूं शिमला। और अभी अभी हम उतरे हैं ट्रेन से, टॉय ट्रेन में सफर किया था। और सफ़र इतना मज़ेदार था कि मतलब आप कुछ पूछो मत, बाकी में ब्लॉग में आपने देख ही लिया हो कितनी कहां कहां से ट्रेन निकली है। तो बहुत ही अच्छा सफ़र था रास्ते में। और ये है हमारी टॉय ट्रेन जिसने अभी हमको उतार दिया है। और ये बस छोटी सी है, अब यही वापस जाएगी दोबारा कालका। तो काफ़ी अच्छा स्टेशन है और आप देखिए यहाँ पर नीचे और कितना प्यारा प्यारा व्यू है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ भी आज स्टे करेंगे, जो भी घूमेंगे, बने रहेगा ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली समय आ चुका है शिमला स्टेशन छोड़ने का। और ये है वेटिंग एरिया जहाँ पर हमने अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर लिया था। और अभी हम जा रहे हैं, किस जगह जाएंगे भाई लोगों, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ पर जाएंगे भाई बताओ, कहाँ जाएंगे? कुफरी जाएंगे, जहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ मिलेगी देखने के लिए। आओ जल्दी आइए। और अभी अर्पित रह गया है, बाकी देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, शिमला रेलवे स्टेशन का काफ़ी अच्छा है। तो चलिए ब्लॉग आते रहेंगे, कंटिन्यू देखते रहिए, वैसे रील में डाल रहा हूँ। तो है गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं कुफरी। और जैसे हम रोड पर आए यानी कि मॉल रोड पर, तो लिफ्ट बोर्ड जैसे कि आप देख रही हैं कि मैं लिफ्ट मांग मांग कर ही पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूं। तो जैसे हमने बोर्ड निकाला तुरंत इन भाइयों ने हमको लिफ्ट दी। और भाई लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने कम से कम हमको 10-15 किलोमीटर की लिफ्ट दी है। और आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? बस भैया आपकी यात्रा आगे मंगलमय रहे। और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि यात्रियों की हेल्प करें, जो नीडी हैं लोग उनकी सबकी हेल्प करें, बाकी थोड़ा सतर्क भी रहें, बाकी सबकी हेल्प करें रास्ते में। चले गाइस आगे मिलते हैं और अभी लिफ्ट लेकर आगे पहुंचेंगे कुफरी, यहाँ से 2-4 किलोमीटर और रह गई है। तो गाइस फाइनली हमें दूसरी लिफ्ट मिल चुकी है और भैया जी ने दिए, क्या नाम था भैया का? दिनेश जी ने दिए है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ, कुफरी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुफरी, वहाँ का अभी काफी अच्छा व्यू है। और भैया को ने लिफ्ट देने के लिए भैया का थैंक यू। और हम दो लोग हैं तो ऐसे ही आपको बताइए विदाउट मनी घूम रहे हैं, तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। और लोग मिल रहे हैं, हिमाचल के लोग काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बाकी काफ़ी अच्छी जगह है, तो आप एक बार आइए विजिट करना ज़रूर। चलिए कुफरी पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा। तो गाइस तीसरी लिफ्ट मिल चुकी है, तीसरी, और वो भी पता किसमें मिली है, जिप्सी। देखो आगे अर्पित बैठा है, भैया चला रहे हैं। और ये रोड देखो भाई रे भाई, एकदम मजेदार सीन है, ये देखो वाओ। और ये भैया गुजरात से जामनगर से ये भी रास्ते मिल गए थे, तो हमने इनको भी लिफ्ट दिलवा दी और ये भी फ्री में यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ। तो आप भी आ जाओ जिनको फ्री में घूमना है, घुमाऊंगा मैं। तो अभी हम जा रहे हैं एप्पल गार्डन है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद आज मैं सोचता हूँ कि यहीं पर रुकेंगे कुफरी में, कैंपिंग टेंट है सारा कुछ है अपने पास, तो देखते हैं क्या क्या होगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, अभी भैया से मिलाऊंगा आपको जिन्होंने हमें लिफ्ट दिया, काफी अच्छा नेचर है उनका। चलिए मिले, बने रहिए गाइस। यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर हॉर्स राइडिंग वगैरह के लिए, यहाँ एडवेंचर के लिए मिलता है आइटम, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो लोग एडवेंचर के शौकीन है, जिनको मतलब काफी कुछ करना होता है। चीनी बंगला है ये देखो, यहाँ हॉर्स ही रहे, इससे ही ऊपर की सवारी होगी 2 किलोमीटर की। तो अपन लोगों ने तो करनी नहीं, पैसे नहीं हमारे पास, हम तो भैया विदाउट मनी वाले हैं, पैसे है ही नहीं है। लेकिन हाँ एक भैया ने बोल भी दिया कि हम तुम्हें घोड़े पे घुमाएंगे पूरा, तो चलो घूमेंगे देखेंगे जो भी है, बाकी काफ़ी अच्छा व्यू है। चलिए अभी हम लोग आ गए मेन कुफरी में, और जहाँ से मतलब हॉर्स राइडिंग वगैरह के लिए काफ़ी लोग जाते हुए हैं। तो अभी देखो मुझे इस वाली लिफ्ट गाड़ी में लिफ्ट मिली थी, ये है जिप्सी, और ये जिप्सी है इन हैंडसम भैया की, ये देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं एकदम प्यारे से, और काफ़ी ग्लो आ रहा है इनके चेहरे पर। इन्होंने हमें लिफ्ट दी, भैया पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने हमें लिफ्ट दी। थैंक यू भाई, और आपके लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, वो भी विदाउट मनी, बहुत सारे लोगों के लिए सपना रह जाता है, बट आप लोग पूरा कर रहे हो, इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी जर्नी आगे के लिए।
और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया का यहाँ पर एक होटल भी है, शिमला में भी है, चिल पैलेस रिजॉर्ट का नेचर ट्रीट विला करके है जी। तो ये इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी, और एयरबीएनबी अगोड़ा और ऑल सारी जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट चलती है, गूगल पे चिल पैलेस रिजॉर्ट करके हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये मैन शिमला में ही पड़ती है, नियर हेलीपैड, संजौली शिमला जो डेस्टिनेशन है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। आप कभी भी विजिट करना चाहो तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9805953866। बाकी मैं एड्रेस वगैरह और नंबर भैया का अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो जब भी आप आएँ और आपको होटल वगैरह लेना हो तो भैया से कॉन्टैक्ट करना, और अगर आप मेरा नाम लेकर आएंगे तो भैया आपको थोड़ा बहुत लेस भी कर, 20% सीधा फ्लैट 20%। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। गाइस अभी कुफरी में मैं खा रहा हूँ पराठे, और वो भी वही भैया ने मतलब खिलवा रहे हैं जिन्होंने हमको लिफ्ट दी थी। ये रे काफ़ी स्वादिष्ट है। कैसा भाई अर्पित, कैसे हैं? मज़ेदार, टेस्टी। तो लिफ्ट में भाई सब कुछ मिलता है, बस आपको हौसला रखना है बुलंद। बाकी चलो भैया आपके बाद